वो बहुत ही ख़राब है। 30 घंटा 35 घंटा 40 घंटे भी लग सकते हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड साइड से जो है 16-17 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। और एक छोटा सा जो है कि एक जगह पे रोड बहुत ज्यादा खराब है, वो नींद टूटी तो मुझे जाम में फंसे हुए थे। यहाँ पे जो है अभी एक्सीडेंट हो गया हमारे बस का एक इससे। एक्चुअली क्या हुआ था कि साइड लेने में जो हमारी बस का चक्का जो है वो नीचे चला गया था, और फिर उसको चलाने के चक्कर में बस जो है 6 घंटे लेट थी। और प्लस जो है कि नेटवर्क ट्रेवल की मुझे समझ में नहीं आई, इतनी रिपोर्टेड ट्रेवल है उसके चार्जेस काम नहीं कर रहे थे। ये जो नेटवर्क ट्रेवल की बस हो गई है, बस का आप सबका स्वागत है एक नए से ब्लॉग में। अभी जो है हम लोग वो आइजोल SBT पे हैं, और लिबर्ट जो है हमारी वो लेट हो चुकी है। अभी 6 बज रहा है, अभी बस हमारी यहाँ से जो है वो खुलेगी। बस का टाइमिंग जो है वो 2 बजे था, बट लेकिन किसी कारण की वजह से जो है वो जो है कि पोस्टपोन होकर 6 बजे हो गया। तो अभी गाड़ी आधा एक घंटा पहले आई है, थोड़ा सा फ्रेश साफ उफ करके फिर जो है गाड़ी जो है अभी लग गई है। तो अब यहाँ से जो है कि अभी हम लोग का नाइट जर्नी रहेगा। नाइट जर्नी में ज़्यादा कुछ तो दिखाने को रहता नहीं है, बाकी ट्राई करेंगे कैबिन राइड के लिए। बाकी बस जो है वो जाएगी, पैसेंजर्स तो उतना ज़्यादा नहीं है, 20 पैसेंजर बता रहे हैं कि है, जिससे जो उनका तेल का भी खर्चा नहीं निकलेगा। बट लेकिन क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे और नेटवर्क एक अच्छी रेपूटेड ट्रेवल कंपनी है, तो इस वजह से वो सर्विस जो है लो कॉस्ट पे भी जो है कि वो देती है, अगर इन केस उसका फ्यूल वगैरह नहीं होगा वो घर पॉकेट से मैनेज करेगी, बट लेकिन सर्विस प्रोवाइड करेगी। मुझे एक चीज़ ये लगा कि नेटवर्क इतनी बड़ी ट्रैवल कंपनी है, बट लेकिन फिर भी इसके फ्लीट में जो है वो एक्स्ट्रा बसेस नहीं है एज ए फॉर द इमरजेंसी यूज़। कोई भी एक्स्ट्रा बसेस नहीं है यहाँ पे। कैपिटल जैसी छोटी कंपनी भी जो है वो भी उसके भी जो है एक्स्ट्रा भी एक बस गई है, दूसरी मेरे पीछे लगी हुई है कैपिटल की। हम लोग जो है वो कैपिटल ट्रैवल से आए थे, और मेरा प्लान था कि यहाँ से मैं जो है वो सिलचर जाऊँगा, सिलचर से ट्रेन जाऊँगा, बट लेकिन जा नहीं पाया कुछ कारण की वजह से। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कल मॉर्निंग में फिर सिलचर से मैं ट्रेन लूँ, क्योंकि इवनिंग में कोई ट्रेन नहीं है सिलचर से, मॉर्निंग में सारे ट्रेन हैं। सीनरिक रूट है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, बट लेकिन इस बार जो है हम लोग वो नहीं जा पाए। तो अभी जो है बस हमारी जो है कि ये सामने लगी हुई है SBT पे, तो ये आधा एक घंटा में जो यहाँ से खुल जाएगी, क्योंकि जो ड्राइवर्स हैं वो अभी ड्राइव करके आए हैं, यही लोग जो है फिर से ड्राइव करके जाएंगे, तो थोड़ा रेस्ट भी जो ज़रूरी है। बाकी जो है आई थिंक जो है कल 6-7-8 बजे रात तक जो है मैं गुवाहाटी ISBT जो है वो पहुँच जाऊँगा। तो परसों मॉर्निंग में जो है मेरे वहाँ से जो है कि डिब्रूगढ़ के लिए जो है जर्नी है, वो जर्नी बहुत स्पेशल जर्नी है। मैं उसको स्पेशली जो है काजीरंगा पार्क की वजह से कर रहा हूँ, तो वो जर्नी भी बहुत सीनरिक जर्नी है और वो डे जर्नी है, तो उसमें बहुत कुछ आप देखने को मिलेगा। बाकी काजीरंगा पार्क का मैं प्लान कर रहा था, बट लेकिन हो नहीं पाया, अभी कोई कैंप्स वगैरह जो है कि ऐसा कुछ अवेलेबल समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे, नेक्स्ट टाइम बहुत कुछ। तो आइजोल से जो है आप यहाँ से एयरपोर्ट्स भी है, आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। ट्रेन की सुविधा जो अभी वो सिलचर से है, आने वाले समय में जो यहाँ भी ट्रेन की सुविधा बन जाएगी, अभी उसका भी काम उम चल रहा है। बाकी जो है बस लेट हो गया, मेरा मन था कि अगर 2 बजे निकलेगी तो रास्ते का जो है मैं वो पूरा वीडियो बनाते जाऊंगा एटलीस्ट सिलचर तक, बट लेकिन वो हो नहीं पाया पॉसिबल। देखते हैं बाकी जितना हो पाएगा उतना अब तक जो है कि लेके आऊँगा। तो बस स्टार्ट होती है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये जो नेटवर्क ट्रेवल की बस हो गई है, बस का एक बार जो है मैं आपसे बाहरी ओवरव्यू जो है वो दे देता हूँ। बाकी जो है हम लोग जब गुवाहाटी उतरेंगे तो फिर वहाँ जाकर इंटरनियल देख लेंगे। ये जो है बेसिकली जो बस जो है वो अशोक लैंड की है, पुरानी मॉडल है, और बाकी जो है चीज़ें जो है वो मैं आपको गुवाहाटी में सारा इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि अभी पैसेंजर जो है अनबोर्ड है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बाहर में बारिश भी हो रही है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि उनको डिस्टर्ब किया जाए। तो मैं सीधा जो है आपको गुवाहाटी में बस का इंटीरियर दिखाता हूँ। फाइनली जो है हम लोग वो आइजोल SBT से जो है निकल चुके हैं। टाइमिंग जो है वो ऑन टाइम जो है कि 6 बजे का टाइम दिया गया था हम लोगों को काउंटर से, और ऑन टाइम ही जो है गाड़ी खुल चुकी है। अब देखते हैं हम लोग जो है कि कितना टाइम में जो है कि यहाँ से हम लोग गुवाहाटी पहुँचते हैं, क्योंकि आने में तो ऑलमोस्ट जो है कि 25 घंटा के आसपास जो है कि लग गया था रूट को लेकर, बट लेकिन जाने में देखते हैं कितना भी टाइम, क्योंकि रोड्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इधर जो है कि बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है जिस वजह से ट्रक्स वगैरह का मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जिस रीजन से जो है कि रोड्स वगैरह के कंडीशन थोड़ा भी ख़राब है।
मैं जिस व्यू की बात कर रहा था ना वो व्यू ये है। मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा ना फाइंड आउट करूंगा कि कहां से इस व्यू को जो है ना प्रॉपर देखा जा सके, कौन सा होटल, कौन सा होम स्टे, मैं उसको नेक्स्ट टाइम जो है फाइंड आउट करूंगा और आप ये ब्लॉग में जरूर लेके आऊंगा। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। एक्चुअली क्या ना इन्होंने चार्जिंग पॉइंट दिया कि नहीं दिया, इसके बैटरी में मैक्सिमम हार्डली 45 मिनट जाएंगे। अब मेरे पास तीन ही अभी बैकअप में पड़े हुए हैं बैटरी 45 इंटू 3 या इंटू 3, तो टाइम मैनेज करके चलना होगा अगर चार्जिंग अगर इसने नहीं दिया तो। आप कल आए थे, आज आ रहे हो? कल आया मैं, नाइट में यहाँ पहुँचा, आज फिर आज रिटर्न जा रहा हूँ। अभी जो हम लोग एक डेढ़ घंटा यहाँ रुके, पता नहीं क्या रीज़न था, कुछ पता नहीं चला। कंडक्टर बोल रहा था कि ड्राइवर को पकड़ के ले गया पुलिस, पता नहीं क्या रीज़न था। तो फाइनली जो है हम लोग वो आइजोल से जो है वो निकल चुके हैं। यहाँ पे जो है अभी एक्सीडेंट हो गया हमारे बस का एक से। एक्चुअली क्या होता है कि साइड लेने में जो हमारी बस का चक्का जो है वो नीचे चला गया था, और फिर उसको चलाने के चक्कर में एक सामने वाले से जो है कौन वो ट्रक में लग गया है, ये वाला ट्रक जो लगा हुआ है, कौन सा है वहाँ जो लगा हुआ है। अच्छा अभी जो है हम लोग वो आइजोल से जो है वो निकल चुके हैं, लास्ट पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल ले रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी जो है वो हमारे यहाँ अभी जो है कि पेट्रोल लिया जा रहा है गाड़ी में, और रास्ते में जो है कि अभी एक एक्सीडेंट भी हो गया था जिसकी वजह से जो है हम लोग अभी 8:30 हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी सिटी से नहीं निकले। तो गाड़ी को जो है कि टर्निंग पे जो है कि थोड़ा सा हमारी गाड़ी जो है बस जो है वो नीचे चली गई थी, जिसकी वजह से उसको ऊपर चढ़ाने में एक गाड़ी से जो है थोड़ा सा टकरा गया, जिसकी वजह से जो है लोगों ने बहुत बड़ा इशू बना दिया। तो फिर नेगोशिएशन वगैरह होते होते तो आप जाके सॉल्व हुई है, तभी हम लोग पेट्रोल पम्प पर जो है वो पेट्रोल लेने आए हैं एक बार में। वो निकल चुके हैं आगे के लिए, मैं सीधा जो है आपसे नेक्स्ट स्टॉप पे रुकता हूँ, मिलता हूँ जहाँ भी गाड़ी रुकती है, क्योंकि नाइट का समय है तो ज़्यादा कुछ दिखाने को बाहर है नहीं। देखते हैं अगर एक दो प्यारी शॉट्स मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं सीधा आपसे नेक्स्ट स्टॉप पे मिलता हूँ। रोड कंडीशन जो है वो बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से जो है कि ड्राइवर बहुत केयरफुल होकर गाड़ी चला रहा है, और जैसा कि आप सामने वाली गाड़ी की लाइट से देख भी रहे हो कि रोड कितना ज़्यादा डेंजरस है, और बारिश हो जाने की वजह से जो है कि वो और ज़्यादा स्लिपी हो गया है। पीछे हमारे साथ एक एक्सीडेंट भी हो चुका है, इसी वजह से हमारी गाड़ी जो है किसी और ट्रक से जो है टकरा गई थी स्लिप करके, तो इस वजह से जो है कि ड्राइवर अब धीरे धीरे ये कर रहा। तो टाइम जो है कि 8, 9, 10, 11 बजे से पहले हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, बट लेकिन रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है। पीछे जो गाड़ी है, आगे जो गाड़ी गैस वगैरह लेके जा रहे हैं, गैस सिलेंडर वगैरह खट खट की आवाज़ आ रही है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कितना ज़्यादा बारिश होने के बाद डेंजरस हो जाता है। हम लोग मानसून के टाइम में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन ये इमेजिन कर पा रहे हैं कि अगर मानसून के समय होगा तो कितना ज़्यादा कंडीशन जो है वो और ख़राब होगा। Oh,
खाने के लिए एक ढाबा पे रुके हुए हैं। टाइम जो है वो 3 बज चुका है, जो 9 बजे हम लोग को यहाँ आना था, क्योंकि निकले ही हम लोग 6 बजे थे आइडल से। बस जो है 5 बजे आई थी, वही सेम बस जो है फिर टाइम जो है वो दोबारा गुवाहाटी के लिए जा रही है। नेटवर्क ट्रैवल जो रेपुटेड ट्रैवल है, मुझे पता नहीं इस रूट पर उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ बस जो है चूज करता है, सेम बस आती है और सेम बस सेम लेके जाती है। एक दूसरी ट्रैवल चलती है, आपको कभी आना हो तो आप उसे प्रिफेयर कर सकते हो। आने में तो ऑलमोस्ट दोनों के सेम ही टाइम रहते हैं, बट जाने में उससे ये है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा बसेज है, तो जिसकी वजह से वो ऑन टाइम 2 बजे जो है यहाँ से खुल चुकी है। तो अभी हम उनके लिए आप पता नहीं पहुँचेंगे कितने बजे, कल शाम तक पहुँचाती है कि दोपहर तक पहुँचाती है ये पता नहीं, क्योंकि जाने में थोड़ा कम टाइम लगता है। लेकिन सर्विसेज जो है फिर भी अभी इतना लेट होने के बाद भी जो है ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी चार्जर पॉइंट्स वगैरह काम नहीं कर रहे हैं। अभी जो हम लोग एक जाम में फंसे हुए थे लगभग 1.5-2 घंटे से, इंडियन टूटी थोड़ी जाम में फंसे हुए थे। अभी ट्रक ड्राइवर जो है वो कोशिश कर रहा है गाड़ी को निकालने का, आगे पता नहीं क्या हुआ है, कुछ आइडिया नहीं है। वन साइड का ट्रैफिक जो है वो तो चल रहा है, लेकिन दूसरे साइड का ट्रैफिक साफ ही रुका हुआ है। दुकान आसपास में दुकान वालों से पता किए तो पता चला कि 1.5-2 घंटे से जो है जाम लगा हुआ है। रात में खाना खाने के बाद नींद आ गया तो सो गया था मैं, अभी जगा हूँ तो ये ट्रैफिक में। आज सुन निकला हूँ तो शुरू से ही कुछ ना कुछ अनहैपनिंग होते जा रहा है। उनसे यानी आज शाम तक भी पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे देखते हैं। ड्राइवर तो कोशिश कर रहा है निकालने का गाड़ी को। जाम लगी हुई है यहाँ तक पूरा देखिए, ऐसे लगभग 5-6 किलोमीटर का जाम है। सामने भी एक ट्रक जो है वो नीचे खाई में गिरा हुआ है, तो इससे अमेजिन कर सकते हो कितना जो है डेंजरस रूट है ये वाला, मोस्ट डेंजरस रूट में ऑफ इंडिया में जो है कि सब रूट्स के नाम से आते हैं, इतने ज़्यादा डेंजरस है। तो रूट्स खराब प्लस सिंगल लाइन बहुत मुश्किल से डबल गाड़ी क्रॉस होती है, और एक बार जाम लग गया तो फिर समझो कि कितने दिन में खुलेगा कोई ये नहीं। वो तभी हम लोग साइड के लूप से निकल रहे हैं, वरना सारे जाम से लगे हुए हैं। इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि मानसून जब होता होगा तब कितना ज्यादा जो है कि डेंजरस हो जाता होगा ये रोड। अभी मानसून का समय नहीं है, अभी नॉर्मल जो है कि बारिश जो है कि, क्योंकि इन रीजन में जो है कि कभी बारिश हो जाता है, तो उस बारिश की वजह से जो है कि इतना डेंजरस हो गया रोड। अगर मानसून का बारिश होता होगा तो आप सोच लो कि रोड कितना ज्यादा डेंजरस होगा और कितना ज्यादा टाइम टेकन होता होगा। यही वजह है कि मैंने जब इस रोड के बारे में एक्सप्लोर कर रहा था और रिसर्च कर रहा था, तो मैंने पढ़ा कि यहाँ पे कोई टाइमिंग का ये नहीं है, तो इसलिए आप एक्स्ट्रा जो है कि फूड वगैरह लेके चलो, बोतल 4-5 पानी का लेके चलो, खाने का कुछ एक्स्ट्रा लेके चलो 2-3 दिन के हिसाब से। देख सकते हो रोड कितना ज़्यादा जो है कि वो डेंजरस है और कितना ज़्यादा जो है कि मुश्किल से जो है कि गाड़ी, वो इसी वजह से जो है कि जाम यहाँ लगा हुआ था अभी।
है लगभग जो है कि दोनों साइड से जो है 16-17 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, और एक छोटा सा जो है कि एक जगह पे रोड बहुत ज्यादा खराब है, वो ढलान पे है और वहाँ पे गाड़ी चलने पे स्लिप हो रहा है, इसलिए दोनों साइड से एक साथ गाड़ी नहीं जा रही है, दो अलग अलग साइड से पहले एक को पास किया जा रहा है फिर दूसरा को, इस तरह करके जो है कि रुक रुक के गाड़ी को क्रॉसिंग दिया जा रहा है। तो बहुत ही डेंजरस है, स्क्रीन पर आपको चल भी रहा होगा, देख के ही लग रहा होगा मुझे ज़्यादा, तो रूट से इस रूट के बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं किसी को एज ए टूरिस्ट तो मैं आने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपको इन स्टेटों के बारे में जानना है तो हमारे ब्लॉग के थ्रू आप जान सकते हैं यहाँ के कल्चर्स को इसको, बट लेकिन मैं आने का ऑलमोस्ट जो है कि 26 से 27 घंटे तो लगने ही हैं। एक तो कल बस जो है कि लेट हो गई, प्लस रास्ते में कई सारे जो है कि अनहैपनिंग होते रह गए, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रही, एक बार ड्राइवर कहाँ चला गया था पता नहीं, फिर जाके एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, फिर उससे हम लोग निकले तो करते करते जहाँ 9 बजे हम लोग को डिनर लेना था वो हम लोग लिए 3:30 बजे रात में, तो आप सोच सकते हो कितना डिले हो गया था गाड़ी। उसके बाद जो है फिर पता नहीं, नेटवर्क जो है बहुत बड़ी ट्रैवल है कंपनी है इस रूट पर, बट लेकिन फिर भी जो है इनके सर्विसेज वगैरह जो है इस रूट पे तो एटलीस्ट जो है बहुत बकवास है, सब पुराने बस लगा रखे हैं तो चार्जिंग पॉइंट्स काम नहीं कर रहे हैं, 26-27 घंटे की रूट जर्नी है और आपके चार्जिंग पॉइंट्स काम नहीं कर रहे हैं, बाकी चीज़ें अब देखो रोड कितना ख़राब है, अब बारिश हो जाने के बाद तो ये और ज़्यादा जो है कि डेंजरस हो जाता है, तो ऐसी वजह रोड्स की वजह से जो है ट्रैफिक बहुत स्लो चल रही है, इसमें बड़े बड़े गाड़ी जो है ट्रक्स वगैरह जो है वो स्लिप करते हैं, और इस रूट पर ट्रक का मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के स्टेटस में जो है कि ट्रक का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से और ज़्यादा जो है कि जाम आने का उनको सिस्टम। खतरनाक वाइब है, थोड़ा सा मिस आप नीचे यहाँ पे जो है कि वो एक्सीडेंट ब्लैक एक्सपोर्ट करके जो है कि एक इंडिकेशन दिया हुआ है आज अब तक कि आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा डेंजरस है ये पॉइंट है और जिस जगह से भी हम लोग गुजर रहे हैं, और ये ट्रक का कंडीशन वगैरह देख के तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। और मैं एज ए टूरिस्ट किसी को अभी फ़िलहाल तो जब तक कि रेलवे वगैरह का ट्रैक वगैरह प्रॉपर रेलवे स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक मैं सजेस्ट नहीं कर पाई किसी को यहाँ ट्रैवल करने के लिए। कार का देख लो आप, मारुति सुजुकी की कोई शायद बिलोनो है और इसका क्या कंडीशन है, और साथ में ये वाला ट्रक तो मुझे लगता है विदाउट टो जो है निकलेगा भी नहीं, क्योंकि इस पर माल लोड है और इसका कंडीशन देख के ये लगा सकते हैं कि थोड़ा सा अगर बैग जाती है तो सीधा खाई में, वो भी खाई जो है 5,000-6,000 फीट की खाई है,
सेम इंजन कर सकते हो। और मैं अपने लाइफ में मैंने अब तक इससे ज़्यादा डेंजरस रोड जो है कि वो नहीं डिस्कवर किया है। आने वाले समय में शायद मैं लाइफ में इससे ज़्यादा डेंजरस रोड एक्सप्लोर करूँ, बट लेकिन अब तक जितना मैंने जर्नी किया है ब्लॉग को लेकर उसमें ये सबसे ज़्यादा डेंजरस रोड है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं वहाँ पे मुझे लग रहा था कितना ज़्यादा होगा, बट लेकिन अभी एक्सपीरियंस करके लग रहा है कि नहीं सच में। और यही अगर मानसून का समय होता तो और ज़्यादा डेंजरस, इमेजिन नहीं कर सकता हूँ मैं उस सिचुएशन को जब मानसून होता तो। ये एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा। अभी हाल फिलहाल में भी कोई लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है कि यहाँ पे जो है कि एक टर्नल भी बनाया गया है ताकि जो है कि सेफ पैसे जो है बनाया जाए, बट लेकिन फिर से बगल में एक लैंडस्लाइड हो गया है। तो अब ये देख रहे हो ये टर्नल भी जो है इसी वजह से बनाया गया, क्योंकि एरिया सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड जोन में आता है, तो इस वजह से जो है कि यहाँ पे एक टर्नल ही बना दिया गया, बट लेकिन बगल में फिर से लैंडस्लाइड हो गया है। खाने के लिए रुके हुए हैं शिलोंग से लगभग 90 किलोमीटर पीछे कोई डिस्ट्रिक्ट है मेघालय में, वहीं पे रुके हुए हैं खाने के लिए। टाइम जो है 5 बजा है जहाँ, तो ऑलमोस्ट जो है कि 24 घंटा पूर्ण वाला, और अब तक हम लोग जो है गुवाहाटी नहीं पहुँचे हैं। 200 किलोमीटर और अभी हम लोग को ट्रैवल करना है,
तो खाना होटल अच्छा है, फ्रेश व्रेश होकर खाना होना। जो हाल ही मैंने फ्राइड राइस खाया था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मैं बाहर वीडियो वगैरह बना नहीं पा रहा हूँ, तो बस के अंदर से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो मैं सीधा जो है आपसे गुवाहाटी में मिलता हूँ। अभी जो है मैं वो गुवाहाटी ISBT जो है रात में पहुंच चुका था, और पहुंचते पहुंचते जो है कि लगभग 11 बज गया था। ऑलमोस्ट जो है बस जो है 6 घंटे लेट थी, और प्लस जो है कि रास्ते में ट्रैफिक की वजह से लेट हुई, जिसकी वजह से जो है कि 30 घंटे के आसपास का जो है जर्नी हो गया था। तो आते आते बहुत ज़्यादा हाइटिंग की वजह से मैं रात में वीडियो तो लोग नहीं कर पाया। बाकी रूट्स जो है कि वो बहुत ही ख़राब है, 30 घंटा 35 घंटा 40 घंटे भी लग सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड जर्नी होती है, टाइमिंग वगैरह कोई फिक्स नहीं है। मिनिमम जो है कि 24 आवर तो लगता ही आपको जाने में। तो इतना हाइटिक जर्नी जो है मैं किसी को एज ए टूरिस्ट तो अलाउड नहीं करूँगा, या मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। पर लेकिन आप हमारे ब्लॉग के थ्रू जो है विजुअल्स देख सकते हैं आइजोल के सारे। बाकी कुछ पार्ट्स है जो नेक्स्ट आने वाले समय जब 1 लाख सब्सक्राइबर हमारा पहुंच जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं दोबारा जो है वो ट्रैवल करूंगा, तो आप देख सकते हो। बाकी चीज़ें है कि यहाँ पे जो है मुझे ISBT रेस्ट रूम में मिल गया था। पहले तो वो लोग मना कर रहे थे, फिर बाद में क्योंकि मैं अभी इधर रेगुलर रुक रहा हूँ, फिर भैया ने अलाउ कर दिया, तो मैं यहीं रुक गया था। होटल जा सकता था, बट लेकिन वही फिर मॉर्निंग में गाड़ी थी तो लेट हो जाता, तो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे सारे कॉमन रूम टाइप से करके होते हैं, तो एक का साउंड दूसरे में जाता है रूम में, तो इस वजह से मैं जब रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। बाकी जर्नी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। बाकी बहुत बुरा हाल है, 24 घंटे जाने में लगे थे, 32 घंटे जो आने में लग गए, प्लस बस लेट। नेटवर्क ट्रैवल की मुझे समझ में नहीं आई, इतनी रिपोर्टेड ट्रैवल है इसके चार्जेस काम नहीं कर रहे थे। एक तो बहुत ही मतलब इतने लंबे हैटिक जर्नी, प्लस जो है आपका चार्जर पॉइंट्स काम नहीं कर रहे हैं, प्लस जो है इन्होंने मुझे इनकी एक अच्छी बात लगी कि लेट हो गया तो इन्होंने अलाउ किया कि आप बस में सोना चाहो तो सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप मॉर्निंग में चले जाना। ये एक अच्छी बात लगी कि अगर पैसेंजर्स वगैरह कहाँ जाएंगे लेट नाइट में, तो इन्होंने वो सर्विस भी प्रोवाइड करवाया। बाकी इन लोग लेट हो गया था, ड्राइवर बैक टू बैक जो है कि ड्राइव कर रहा था, बट लेकिन इन्होंने बहुत सेफली जो है वो हमें यहाँ तक लेके आया, कोई रफ ड्रेसिंग और ये नहीं आने। और इस सफ़र में जो इतना ज़्यादा जो है ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, आते ही जो है कि ड्राइवर को पुलिस वाले ने पकड़ लिया किसी रीजन से, फिर वो सॉल्व आउट हुआ तो फिर गाड़ी जो है कि एक दूसरे गाड़ी में स्लिप करके ठुक गई, वो सॉल्व हुआ तो बारिश की वजह से रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब थे। एक जगह तो मतलब छोटा सा मतलब टर्निंग पे इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब था कि एक साथ दो गाड़ी क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे, बड़ी बड़ी ट्रक जो है वहाँ स्लिप कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ जो है लगभग 8-9, 7-8 घंटे का जाम में हम लोग फंसे। और फिर जो है कि एक आर्मी व्हीकल के थ्रू जो कि हम लोग को थोड़ा सा रिलीफ मिला, तो फिर थोड़ा आगे गए, फिर ऐसे करते 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 फिर हम वहाँ से निकले। तो रास्ते में भी जाम्स वगैरह मिलते रहे सिटी वगैरह आते आते, जो है 11 बज गया रात में। तो ओवरऑल जो है कि जर्नी जो है वो बहुत ही क्या है ना कि हमारे लाइफ में कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है तो वो हमारे लिए बेटर हो जाती है। तो मैं ब्लॉग को जो है वो चीज़ें हम जो है कि ब्लॉगर के लिए एक वरदान की तरह हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे जो नाइट में मैं देख नहीं पाया था तो वो देख पाया, और हम लोग जो कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाए बाई बस जो कि हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं देख पा रहे थे। तो मैं जो है ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मेरा नेक्स्ट जर्नी जो है अभी स्टार्ट होने वाला, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। वो स्पेशल जर्नी है तो आप वो उसको जो है कि आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखे। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे बेशक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।